कर्नल अजय जी, यहाँ से दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ कुछ जो सोयाबीन के बारे में जानना चाहते हैं। सोयाबीन कर्नल अजय जी, हमने निचले स्तर भी आते हुए देखे हैं, एमएसपी से नीचे भी बिकती हुई देखी है, लेकिन अब देख रहे हैं कि काफी शानदार तेजी पकड़ा हुआ है सोयाबीन ने। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये तेजी अभी और आगे जारी रहेगी या फिर आगे जाके कहीं ना कहीं थम भी सकती है? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा लगभग डेढ़ महीने पहले जब सोयाबीन पे हमारा एक विशेष प्रोग्राम आपके साथ हमने इंटरव्यू किया था और यही कहा था कि सोयाबीन के अंदर जो 5000 के आसपास का जो भाव है और ये भाव बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, ना किसानों के लिए ना व्यापारियों के लिए, और जो कड़े कदम सरकार उठा रही है वो उसके अंदर किसानों को रोष भी हो सकता है। और वैसे ही हुआ, किसानों ने माल नहीं दिया, किसान डटे रहे और निचले स्तर पे उन्होंने माल नहीं दिया। ये मुझे लगता है कि ये किसानों की जीत है, ये कारोबारियों की जीत है कि जब मनमर्जी से यदि कुछ भी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से जो किसान हैं या कारोबारी हैं वो भी अपने दिमाग से काम करेंगे। मुझे आपका जो सवाल है कि सोयाबीन में अब क्या, लगभग 25% की बड़ी तेजी निचले स्तर से हो चुकी है। देखिए, कोई भी तेजी या मंदी एक साथ नहीं चलती है, एक साथ नहीं चलती है, और यदि मंदी है तो भी या तेजी है तो उसमें कुछ ना कुछ पहुंच जाता है। लोग छोटी अवधि के अंदर आप थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए हम लगातार आपके हर रोज जुड़ते हैं, हम कुछ ना कुछ बात करते हैं, तो सोयाबीन के अंदर मैं ये कहूंगा कि यदि आपको मुनाफा आ रहा है अच्छा खासा तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मुनाफा बुक करने में कोई बुराई नहीं है। कहा जाता है कि मुनाफा जो आपकी जेब में आ जाए, मुनाफा वो नहीं जो डब्बे में है, मुनाफा वो नहीं है जो खेत में, मुनाफा वो नहीं है जो बाजार में, आपकी जेब में जो पैसा आ जाए, आपके बैंक में जो पैसा आ जाए वो पैसा आप मान दे, क्योंकि ये बाजारों के अंदर तेज हलचल होती है, ऊपर नीचे के स्तर लगते रहते हैं, ये हर रोज का काम है और ऐसा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि यदि तेजी मंदी ना हो, रिस्क नहीं हो तो हर कोई कारोबार कर ले, हर आदमी क्यों वो बाकी चीजों में ध्यान देता है, तो इसलिए कुछ मुनाफा मिलता है तो ले लेना चाहिए। जी अखिलेश जी, जी कर्नल अजय जी, तो यानी कि सोयाबीन की कीमतों में जो तेजी है वो आगे भी जारी रह सकती है और ये जो जीत है वो किसानों की वजह से ही संभव हो पाई है, क्योंकि किसानों ने अपनी स्टॉक करने की जो क्षमता है अब उसको बढ़ाया है। धीरे धीरे किसान भी समझ रहे हैं कि जितना सोयाबीन को इस समय स्टॉक कर लिया जाएगा उतना ही अच्छा मुनाफा आगे भी देखने को मिलता रहेगा।